गाड़ी के लोग देख लो भाई साहब, ब्रेक लाइट ऐसे लग रही है, कब ऐसा लग रहा है सारी क्या बड़ी पॉलिसी थी, बड़ी हाइट की बाइक है। हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग मॉर्निंग हो गई है और सभी कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, रेडी हो चुका हूँ और आज है फ्राइडे, रेडी होकर फिलहाल ऑफिस चलना है। ऑफिस के एक दो काम है, मतलब आज और कल का दिन है थोड़ा सा काम का, तो वर्कलोड आज और कल का है थोड़ा ज़्यादा। उसका तो भाई दिवाली की उसमें लग जाना, फिर दिवाली की गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन इधर उधर जाना आना वो सब चलता रहेगा। तो फिलहाल वर्कलोड के दो दिन है ये कर लेते हैं, तो अभी फिलहाल ऑफिस पहुँचता हूँ, देखते हैं ऑफिस के एक दो काम वो करके फिर बाहर का कहीं जाने का शेड्यूल क्या है, दिन में निकलना इवनिंग में निकलना है वहाँ निकलूँगा। बस उसके अलावा रूटीन जो पता ही आपको, बातचीत होती रहेगी, बाकी बाहर निकलूंगा तो चलते हैं। फिलहाल ब्रेकफास्ट करके ऑफिस पहुंच जाता हूँ, बनाते शेड्यूल, निकलते हैं और फिर बातचीत करते हैं। भाई अभी निकला जा रहा किसी काम से और आप लोगों से बातचीत करना है, दोनों चीज़ों के लिए गया हूँ और दिन में आज भी कहीं नहीं गया हूँ, मैं ऑफिस में था और जाना था बट वो इवनिंग में शिफ्ट कर दिया प्लान मैंने, तो अब निकला हूँ मैं। चलो यार बातचीत हो जाएगी और काम भी हो जाएगा, ऐसा हो सकता है जाता भी नहीं मैं बट बातचीत करने का तो निकलना ही था। क्या भाई तो भाई सुनी है आपको रेड ना जाए, ये कौन सी आ गई भाई मर्सिडीज़, मर्सिडीज़ जी क्लास नहीं आ गई भाई, ये बढ़िया लगा जी 200 गाड़ी की लोग देख लो भाई साहब, ब्रेक लाइट ऐसी लग रही है क्या गजब है। इंटीरियर भाई का ब्लू टच में रखा, पिंक और ब्लू का टच, और भाई सीधा जाना मुझे, तो मैंने इंडिकेटर दे दिया गलती से, माई मिस्टेक, मुझे सीधा जाना था, फाइनल निकल तो गया हूँ, टूट जा भाई पर इतने पचास जल्दी है, देखते हो सकता है मर्सिडीज़ वाले भाई साहब आ जाएँ आगे, तो मर्सिडीज़ ढंग से देख लेंगे। अभी जल्दी में देखा ग्रीन लाइट हो गई थी, मैंने कभी लाइट हो जाए मेरे पहुँचने का, वह मुश्किल ही है, शायद आ भी रहा हो सकता है, क्योंकि लाइट तो एक आ रही है वाइट लाइट, हो सकता है मर्सिडीज़ की ही हुई है। अरे चलो ये तो अलग सीन हो गया, चलो कोई बात नहीं भाई, मस्जिद वाला मुड़ गया होगा भाई, आप ब्रेक लाइट ब्रेक लगा दें, उसी रेड लाइट हम आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, कमेंट वाले ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। अब देखो स्कॉर्पियो एंड नहीं लग रही है गाड़ी भाई साहब, गाड़ी तो है दमदार, ऐसी बात नहीं है, स्कॉर्पियो एंड में तो जान है भाई, स्कॉर्पियो का नाम ही स्कॉर्पियो अलग ही है। लाल ठंड है भाई, ठंड चालू हो गई है, पोल्यूशन भी जोरों शोरों से चालू हो चुका है, बढ़िया वाला पोल्यूशन हो रहा है, बढ़ेगा पराली वराली जला रहे हैं ना, सब एक शौक है भाई, हम तो पराली जलाएंगे जो मर्जी कर लो भाई, जलाओ भाई जलाओ ठीक है, बंदों की जिंदगी आदि कर लो, तुम पराली नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन अब वेट करते हैं, रेडलेट हो रही है, ये देखो ये कौन सी आप है भाई, इलेक्ट्रिक बाइक एक दिन होती थी मुझे नाम नहीं पता है, पूरे इलेक्ट्रिक बाइक है, चलो जी ग्रीन हो गई है, अब दिखाता हूँ ये इलेक्ट्रिक बाइक, ये देखो पता नहीं भाई कौन सी है, ये चुपचाप चली गई भाई साहब, ऐसा लग रहा है सारी क्या बड़ी पॉलिसी थी, बड़ी हाइट की बाइक है भाई, क्या है साइकिल पता भी लग रहा चल रही है, क्या इलेक्ट्रिक बाइक निकाली आ रही है भाई, मुझे लग रहा बाहर से कुछ लगवा था स्कूटी में, स्कूटी के इंजन में सबको लगवा दिया भाई बाहर से, कुछ नहीं क्या सकता भाई आजकल तो, क्या क्या होता था क्या क्या आ जाता है, ऑटो वाला भाई साहब रुक जाओ, तो भाई अब जब कलकत्ता से शेड्यूल है काम का था थोड़ा बिजी वाला काम, उसमें बिजी शेड्यूल संडे परवा जो है, मंडे से भी काम तो है ही, मतलब काम का शेड्यूल तो रहेगा भाई, बट बाहर निकलने का बिजी वाला शेड्यूल चालू हो जाएगा मंडे का, ये देख लो तुम ठीक है ना भाई, मंडे से दिवाली डिस्ट्रीब्यूशन, दिवाली गिफ्ट वगैरह और एक तो मीटिंग वगैरह भी है, जो चीज़ें हैं वो सब चलेंगे, बस उनमें बिजी हो जाऊँगा। बस यार ये ट्रेन है,
ज़्यादा तगड़े खड्डे में घुस गए एकदम, तो उसके ऊपर जा रहे हैं झटके से, वो बेचारा टेढ़ा हो गया लग रहा है, तो डाउन हो गया थोड़ा। भाई आगे थोड़ा बहुत जाम हो गया चालू, देखते हैं भाई ग्रीन लाइट है वैसे तो, हो सकता है निकल भी जाऊँ, कोशिश कर सकते हैं बस। ओ भाई साहब ये लो कहीं भी उतार दो। अबे बस वाले भाई मेरी बातें निराले है भाई, जहाँ मत सवारी को छोड़ दो, जाओ कूदो बेचारे लगभग गया कहीं ट्रैफिक में। चलो भाई जरा भाई पहुँचता हूँ, कॉल भी आ रही है, काम करते हैं वापसी में बातचीत करेंगे। भाई जिस काम से आया था वहाँ से फ्री होकर निकल गया वापस, और अब सीधा घर जाना है, ऑब्वियसली बात है, दो काम थे दोनों काम हो गए हैं बाई चांस टाइम से, तो फ्री हो गया हूँ अब सीधा घर जाऊँगा। देखते हैं कोई छोटे मोटे आसपास के काम होंगे तो वो कर लेंगे, नहीं तो फिर घर पे रेस्ट कर लेंगे भाई, थोड़ा बहुत इतने दिन हो गए इतने भाई घर जा देंगे, मतलब जिस टाइम घर जाना पहुँचा है बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ। बाकी पता नहीं भाई आगे क्या मान का क्या सीन है, क्या पता वही टाइम हो जाए पहुँचते पहुँचते तो बात अलग है। टिप्पर का मज़ा तो अलग ही आता भाई, जाम है क्या, जाम है नहीं वैसे भाई, ठीक ठाक है रोड, ये लो अभी मैंने अभी चिपक जाते दोनों एक दूसरे के साथ, तो उधर है ठोकता उधर है ठोकता, अब टाइम निकाल के भाई बाइक को भी ठीक कराना है यार, सबसे पहले तो उसके पंचर लगवाऊँगा, पंचर की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है, हवा निकल जाती है, हवा भी कम है बहुत, बड़े मुश्किल से बाइक चल रही है बस किसी तरह, तो देखता हूँ यार कल होगा पॉसिबल तो कल, नहीं तो फिर संडे मंडे को पंचर वंचर का काम जरूर कराऊँगा। भाई रेड लाइट हो गई मानी के लगता है, दोबारा लाइट होगी के ले लो भाई रेड, ओ हो गई रेड तो भाई, अब देखते हैं लेफ्ट ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, चांस तो कम ही लग रहे हैं वैसे तो। लेफ्ट टर्न लेना थोड़ा मुश्किल है, बाकी देखो क्या पता, क्योंकि अंकल इनका मन ही नहीं कर रहा चलने का, चल छोड़ा चल ही नहीं जा रहा मैं, यही रहूँगा ना, पास की याद वाले भाई यहाँ से मोड़ो, ये लो अंकल अगर अटक गए भाई, अंकल कह रहे मुझे यहीं रख लो तुम, मुझे मत जाने देना, चलो सही हो गया, यहीं जाम का थोड़ा जहाँ काम कर रहे हैं, आगे तो जो मिलेगा वो मिलेगा, मिट्टी बहुत छूट गया भाई, यहाँ भी जाम है आज तो क्या बात है, यहाँ तो होना बंद हो गया भाई जाम, यहाँ तो जाम ही नहीं हो सर, आज क्या हो गया सर, जो ना सोचो जहाँ ना सोचो वहाँ भी जाम मिलेगा, और वो चीज़ें मिल जाती हैं कि बंदा सोच नहीं सकता। देखते हैं यहाँ निकल पाऊँगा, यहाँ क्यों है जाम, इधर एक गाड़ी ख़राब हो गई थी उसी वजह से जाम है, देखा अगर खड़ी है ना वो बैगना उसकी वजह से जाम हो रहा है, जाते हुए मैंने देखा था याद आ गया मुझे कि पार्किंग लाइट चल रही थी, तो ये गाड़ी ख़राब हुई हुई है उसकी वजह से जाम लगा हुआ है भाई, चल रहा तो करके बंदा साइड में खड़ी कर देता, पुल के नीचे खड़ी करके जाम लगा के चला गया, पार्किंग लाइट लगा कर चलता बना, थोड़ी कोशिश करनी चाहिए यहाँ खड़ी कर देता आराम से खड़ी रहती, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं होती, लेकिन भाई समझाए कौन समझाए क्या समझाए,
भाई, अरे भाई डिजायर वाले भाई साहब, तुम निकलो पहले, तुम लेट ना हो जाओ। सभी को जल्दी है भाई, कोई रुकना नहीं चाहता। एक तो हवा नहीं है ना, हवा की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है भाई बाइक चलाने में। कल ही सोचता हूँ और इसका देखता हूँ, कल ही पंचर वंचर का काम करवाऊँ यार, कल सही कराऊँ बिल्कुल। हवा की वजह से ना बाइक बहुत हिल रही है, चल चल के हिलती है, कभी लेफ्ट कभी राइट। कल करवाऊँगा भाई इसको भी ठीक। बाकी दिन तो आज सही है, जो भी काम के सब हो ही गए, और मंडे का शेड्यूल थोड़ा सा बिजी वाला हो सकता है, या फिर संडे को ही हो सकता है काम निपटा लूँ, मंडे वाला जो काम है मुझे। एक्चुअली मैं गिफ्टिंग वगैरह का देखना है यार, गिफ्ट वगैरह भी लाने हैं सबके लिए, क्लाइंट्स वगैरह के लिए। भाई ये ठीक कर दिया रोड, क्या बात है। अभी बाइक जो है कैसे लहर गई थी, हल्का सा किसी भी खड्डे पर चढ़ जाती है लहर जाती पूरी। तो क्लाइंट्स के गिफ्ट वगैरह लेके आने वो सब देखना है, संडे को जाऊँगा या मंडे को, वो काम करना बहुत ज़रूरी है। तो जाऊँगा क्या लेके फिर भाई, ये भी तो देखना है। अब रेड लाइट है यहाँ पे भी, ग्रीन तो हो गई है वैसे, लेकिन अपना नंबर कब आएगा वो नहीं पता, देखते हैं भाई क्या पता निकल भी जाए। जाने दो, मनी इनको पहले लेके आओ, रॉन्ग साइड वालों को, ये पहले निकलेंगे, हम तो चलो बाद में निकल जाएंगे, इनको पहले जल्दी है। चलो भाई भाई आ गए हो घर पे, और बाइक पार्क कर दी है, और बस अब रेस्ट करना है, मतलब आ तो पहले ही रहा, अब बाइक पार्क कर दी है, अब रेस्ट वेस्ट करूँगा, डिनर करूँगा और ब्लॉग एडिट करूँगा। चलते हैं, करते हैं इस लोग को एंड, कल मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मैं तो सर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सपना जाने होना, कल मिलते हैं, बाय बाय।